महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना में रस्साकसी जारी है। शिवसेना अपने 50-50 वाले स्टैंड पर कायम है। शिवसेना चाहती है कि पहले 2.5 सालों के लिए सीएम शिवसेना का हो, लेकिन बीजेपी को शिवसेना का ये फॉर्मूला कतई मंजूर नहीं। बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बीजेपी ने 5 नवंबर के लिए वानखेड़े स्टेडियम बुक करवा लिया है। ऐसी खबर है कि 5 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना के जरिए फिर से बीजेपी पर तीखा हमला किया है। सामना में लिखा गया है कि राष्ट्रपति तुम्हारे जेब में है क्या? राष्ट्रपति की मुहर वाला रबर स्टैंप राज्य के बीजेपी कार्यालय में ही रखा हुआ है। अगर महाराष्ट्र में हमारा शासन नहीं आया तो स्टैंप का प्रयोग करके बीजेपी राष्ट्रपति शासन का आपातकाल लाद सकती है। इसके साथ ही सामना में यह भी लिखा गया है कि इस धमकी का जनता ये अर्थ समझे क्या। आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुधीर मुंगंटीवार ने कहा था कि अगर 7 नवंबर तक कोई सरकार नहीं बनती है तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। बीजेपी नेता ने आगे यह भी कहे कि महाराष्ट्र में शिवसेना के कारण ही सरकार नहीं बन पा रही है। बीजेपी के नेता सुधीर मुंगंटीवार के इसी बयान पर शिवसेना भड़क गई है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस अपने शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं और फडणवीस को उम्मीद है कि शिवसेना को मनाकर सरकार में शामिल करवा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।